वैसे अगर आप भी एडलाइट्स की वेबसाइट को यूज करते हैं और शॉर्ट लिंक के द्वारा आप कुछ पैसे अर्निंग करते हैं, तो गाइज आज की वीडियो में आपको एक ऐसी इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्रिक ऐसी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शॉर्ट लिंक की जो एप्लीकेशन होती है, जो वेबसाइट्स होती हैं, उसके थ्रू हम जो भी पैसे अर्निंग करते हैं वो हमारे लास्ट मंथ को या 1 तारीख को जो कि हमें जो कि पैसे विड्रॉ करती है, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप एफिलिएट की वेबसाइट को यूज करते हैं तो इसमें आप कभी भी किसी भी डेट को कभी भी आप मतलब विड्रॉ कर सकते हैं और अपने बैंक में पैसे ला पाएंगे। अब वो कैसे, तो इसके लिए गाइस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करिएगा। तो चलो गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एडफ्लाई वेबसाइट के थ्रू हम किसी भी डेट पे कैसे अपने पेमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं, कैसे पेमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और हम किसी भी डेट पे जो कि हमारी पेमेंट जो कि एडफ्लाई वेबसाइट से जो कि हर महीने की 1 तारीख को आती है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें कभी इमरजेंसी हो जाती है कि हम 21 तारीख को ही रिफंड कर लें, अपने पेमेंट को मंगवा लें, या 22 से किसी भी डेट को हम कैसे मंगवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए एडफ्ली एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम एडफ्ली एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो एडफ्ली एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ से आप देखेंगे कि आपका एडफ्ली एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान देने की, आप किसी भी डेट पर पैसे अपने रिफंड मंगवा सकते हैं, बट उसके लिए आपका जो एडफ्ली एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं, तो इसमें अगर पेमेंट किस द्वारा मंगवाते हैं, आप पेपल के जरिए मंगवाते हैं, तो वहां पे आपको पेपल में $5 जो कि होते हैं तभी आप पेमेंट्स पेपल पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो भी आपकी रिजुलेशन होती है, जो कि पेमेंट जितनी होनी चाहिए तभी आपकी पेमेंट ट्रांसफर हो सकती है, तो उतना आपके बैलेंस होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कंप्लीट करके रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट आप देख सकते हैं जो कि 24 सितंबर है, और मैं 24 सितंबर को ही अपनी पेमेंट्स को पेनियर के जरिए अपने बैंक पे ट्रांसफर करूंगा। यहाँ से 3 बार के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक कर दें। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो फिर आप नीचे स्वाइप करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो आप सिंपली इसमें क्लिक कर दें। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो फिर यहाँ से आप ओके पे क्लिक कर दें। ओके में क्लिक करने के बाद फिर गाइस यहाँ से आपका ये पेमेंट्स जो कि आपने रिक्वेस्ट कर दिया है, कुछ ही घंटों में आपका जो ये बैलेंस है आपकी उस वेबसाइट पर चली जाएगा जिससे कि आप अपने बैंक पे पैसे मंगवाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये पेनर वेबसाइट पे जाएगा, फिर वहाँ से मैं अपने बैंक पे ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं हमने इस तरह कर लिया है और ये रिक्वेस्ट हमारी जा चुकी है। तो कुछ ही मिनट बाद वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, वहाँ का ईमेल आएगा, जीमेल आएगा, जो भी है आपको बताया जाएगा कि आपकी पेमेंट भेज दी गई है नहीं। तो आप बहुत ईजी तरीके से इस तरह इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपने पेमेंट्स को किसी भी डेट में मंगवा सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी तो कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।